जय शनिदेव, जय शनिदेव। क्या नाम है जी? नीला देवी। नीला देवी, पहले वर्णन किया था, नीला देवी कहाँ से आई है? लखनपुर से। लखनपुर से। ये कहाँ है? ये सूरज कुंड बदरपुर के पास। भैया ये गेट ठीक करो। हाँ लखनपुर जी। हाँ देखिए क्या है, इनको जैसे भी होता है होने दो। नीला देवी ना, बताइए क्या है इसको? भैया अगर कुल मिला के हम पहले देखते हैं तो इसको एक आदमी को ताकत करता है, इसको आदमी पे ताकत करता है। उसके साथ कम से कम 8 चीजें चलती हैं, 8 चीजों के बीच में से 2 औरतें हैं। पहले आदमी आया था, अब 2 औरतें आई हैं। दोनों औरतें चुड़ैल कम से कम काफी ताकतवर हैं, शरीर के बीच में पूरा पूरा दबाव डाल के रखती हैं। तो भैया कहने का मतलब इसको एक आदमी प्रेत ताकतवर है, आज का नहीं पिछले 8 साल से छोटा है, 2 चुड़ैल है, 2 के बीच में से एक फैमिली की है जो अभी आ रही है। पहले आदमी प्रेत आ रहा था वो ताकतवर है काफी। इसके साथ कुल मिला के 8 प्रेत थे, 8 के बीच में से एक साधु संत था, 3 थे, तीनों हम पकड़ लिए हैं। अब जो आ रही है औरत आ रही है, शरीर के बीच में एक प्रेत काफी ताकतवर था। इसके साथ साथ ये पूजा पाठ भी काफी करती है, पूजा पाठ के बीच में कम से कम 7 देवी हैं, 7 के 7 रूप है उसके साथ, ठीक है। मतलब इसको सिद्धि भी है, सिद्धि भी और भूत प्रेत भी है, और भूत प्रेत भी है। और ये शिव जी भगवान की भी पूजा करती है। आपने बताया कि इसको एक साथ 8 प्रेत थे, 7 प्रेत थे, एक के साथ 4 महात्मा थे और 3 2 चुड़ैले थी एक आदमी के साथ, ऐसे ही बताया ना आपने। तो ये 4 2 6 और क्या कहते हैं खुद वो 7वां। तो हम ये बताइए हमने कितने पकड़ के बांध लिए, और ये बताइए कितने दिन बाद आपको ऐसा केस देखने को मिला है जिसको एक साथ इतने प्रेत थे? ये कम से कम ये 2 महीने तो हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने बाद हमें ऐसा आदमी मिला है जिसको एक से ज्यादा प्रेत है। वैसे तो तकरीबन 1 या 2 ही मिलते हैं शरीर में, इससे ज्यादा नहीं मिलते, घर में खुले हो सकते हैं 3-4, ठीक है ना। किसी के जब बहुत ज्यादा प्रेत होते हैं तो ये समझो उसको देवी देवता छोड़ा गया है, ना कि कोई प्रेत छोड़ा गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस बहन को देख रहे हैं, इसके क्या प्रेत हमने अभी तक पकड़ लिए? इसके भैया जैसे मैंने देवता को अर्जी लगाई और हाथ जोड़े तो उन्होंने 3 जो से साधु संत थे उन्होंने अपने आप समर्पण दे दिया। हमारे कौन से देवता है जो साधु संत को लेके? इस सर पे पगड़ी सी डाल रखी है तो काफी हाइट के बीच में चोला डाल रखा पूरा वाइट, ते हाथ में एक माला है। और अब हम बता भी देते हैं कि अगर हमने किसी की पोल खोलनी है तो उसकी सारी वीडियो की एक एक तस्वीर डाल के कि उस आदमी का क्या नाम है, उसने वहां पे कितना पैसा दिया और कितना वो ठीक हुआ और उसको क्या है बाकी, ये मनु भैया के दरबार की सच्चाई है। यानी कि हम ही साबित कर सकते हैं पूरी दुनिया में जो बार बार सबको बता रहा है, ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग भी हैं लेकिन वो गुप्त रूप से देख रहे हैं, लेकिन टीवी चैनलों के माध्यम से जितने भी लोग जो है ये सेक कार्य कर रहे हैं उनको यही नहीं पता है शरीर के अंदर क्या है, और हमारे पास शुरू से ही आज तक भी देखने वाले रहे हैं। और हर्ष भाई काम कर रहे हैं, अभी हर्ष नहीं रहता है तो कोई और रहता है, फिर कोई और आ जाएगा, कोई और भी आएगा, कोई और भी आएगा, लेकिन चूंकि जब तक हर्ष सेवा करेगा
रेगुलर वो सेवा कर रहा है और उसने समर्पण दिया है कि मैंने ईश्वर के लिए ये देह बनाना है, लोक कल्याण के लिए, कि मैं लोगों को ठीक करा कर ही रहूंगा, और वो मेरे देह पे उस रास्ते पे उस पथ पे चल रहा है। तो हम ये कार्य बखूबी करते हैं और घर तक की बात आपको बताते हैं। क्या हम ये बता सकते हैं कि इसको जिसने कराया है वो औरत देखने में कैसी है? ये करने वाली तो घर में ही है, कम से कम इसके पास के बिल्कुल रिलेशन में ही है, बिल्कुल पास रहती है, ज़्यादा दूर नहीं रहती, हाइट के बीच में कम है, साड़ी डालती है, गोरा रंग है, साफ सा, ना ज़्यादा भारा है ना ज़्यादा पतला है, ठीक ठीक सी है। आप नहीं करती, किसी और से कराती है। क्या नीला, आप ये ऐसी औरत को जानते हो? हाँ जानते हैं। क्या आप उस पर पहले से ही शक करते हो या नहीं? मैं नहीं जानती थी, लेकिन लोग बाग बोलते थे, लेकिन मेरे देह पर जब कड़ी है वो हाँ। चीज बता रहे हैं तो हम तो कहेंगे जो वो कड़ी है। उसने अभी इन्होंने तो कभी नहीं देखा, इन्होंने नहीं, बता दिया। ये जो जिठानी है कृष्णा, वो देखो नाम लेती है। उसने क्या कर रखा है? जो सी लेडीज ने करा रखा, कौन दरानी है कौन जिठानी है, हम ये बता सकते हैं किस औरत ने करा रखा है। बस ओकार रखी है। हमने केवल स्वरूप बताया, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, ओकार रखी है ना, जो प्रॉपर्टी में मेरे मकान बनाई है जबरदस्ती, तो उनकी 6 बच्चे हैं। देखो तो ये तीन फौजी में हो गए हैं, तो वो लाठी के ऊपर कहती है कि मैं आपका प्रॉपर्टी पर मकान बनाऊंगी। उसने क्या कर रखा है? इनकी घर की औरत मरी हुई है, ये घर घर की समस्या है। जर जोरू और जमीन, जर जोरू और जमीन, इसके लिए जो है ना लोग ऐसे ऐसे कार्य कराते हैं, या राजनीति, ठीक है ना, लोग इस तरह के कार्य करते करते आए हैं, ठीक है ना। हमें उससे मतलब नहीं है, वो तुम्हारी घर की लड़ाई है, हमने उसका स्वरूप बता दिया, वो महिला ऐसी है। अब आप जानो आपकी फैमिली में नाम नहीं, औरत भी मरी हुई है कोई है? औरत भी मरी है फैमिली में कोई? हाँ, हाँ। कौन है वो? मेरी भाभी है भैया। इसने क्या कर रखा, उसी को पकड़ के इसके ऊपर छोड़ रखा, वो अलग से है, जो सी रो के आती थी अभी वो यही थी। हाँ वही तो मैं, है भी से शरीर की है वो वाली जो सी आई है। आगे समझ में, क्वेश्चन रोको भैया। मैं क्या कहा, हम ये नहीं जानते, हम आपको ठीक करेंगे, ठीक है। अगर कोई आपसे लड़ता है जरूरी नहीं, वही काम करता है, हमने स्वरूप बता दिया, अपना पहचान लियो, ठीक है। हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, जिसने भी किया। बात यह, हमने ये बताया, यहाँ से एक मंत्र दूत आपकी बेटी के अंदर गया है, यहाँ से दौड़ के तीन आपके शरीर में है, आपके 5 प्रेत खत्म हो चुके हैं शरीर के, जो 2 बाकी हैं उनके भी इतने पैर कट चुके हैं, ठीक है ना। आपको एक बार और आना है, आप एक बार और आओगे सदा के लिए, ठीक, आपकी सिद्धियां साफ करेंगे, फिर आपको माता के दर्शन हुआ करेंगे और उसकी कृपा होगी तेरे पे, उसी से रिद्धि सिद्धि आएगी, जब तू उसकी सेवा करेगी तो तेरी सेवा बढ़ेगी, ठीक है ना, ठीक है। अभी एक दूत मंत्र दूत, तेरी बेटी भी कोई सी बीमार रहती है, मरी हो गई है, मरी मरी हो गई है, उसी के अंदर मंत्र दूत गए हैं उसकी चीज को लेने, जो उसके अंदर स्थापित हो गई है जाके, ठीक है ना। ये कार्य है हमारा, जो मेहतर कार्य है, जो जिंदगी को ऊपर उठाने का कार्य है, वो हम करते हैं, ठीक है। आपका नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा से पीछा छुड़ा के आपको फ्रेश करते हैं, साफ कराते हैं, जीवन जीने के लायक बनाते हैं और सदा के लिए सुरक्षित करते हैं। बोल जय शनिदेव, बोल शनिदेव, जय शनिदेव।